आज आप सभी सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट टॉप। प्रिंसेस कट टॉप ये जो बनाया गया है वो ओनली 90 सेंटीमीटर के कपड़े से बनाया गया है, जो कि फुल साइज का टॉप है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आर्म होल यानी कंधे का जो साइज लिया वो 6.5 इंच का लिया है, और आर्म होल की गहराई 5.5 इंच की है। इसे सीधे सीधे लाइन जो है वो खींच लेते हैं। और आर्म होल की जो गहराई ली है वो मैंने 1 इंच की ली है। इस तरीके से इससे क्या होगा कि गोलाई बनाने में बहुत ही आसानी होती है। आप इसी सेम तरीके से किसी भी साइज में आप बना सकते हैं। जो साइज आप बनाना चाहते हैं अपने टॉप की वो आप यहाँ पे साइज मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे एक और अच्छा ट्रिक बना रही हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने गोलाई दी है, हल्की गोलाई दी है। क्यों दी है? क्योंकि अगर चेस्ट भारी हो तो ये बाहर की तरफ गोलाई देकर हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, और स्टिचिंग भी सेम इसी तरीके से करेंगे ताकि अगर चेस्ट भारी हो तो यहाँ पे अकड़न जकड़न ऐसा कुछ ना हो और काफी अच्छे से फिटिंग आए। ये हो गया है पीछे का भाग तैयार। ये है घिरनी। इससे क्या होगा कि चौक कभी भी हम लगाते हैं चौक जो है वो छूट जाता है एक टाइम के बाद। इससे क्या होगा, अगर आप ये चलाएंगे, ये घिरनी चलाएंगे, तो आपका आपकी जो फिटिंग है सेम इसी तरीके की फिटिंग आप दूसरी साइड भी सिल सकते हैं। देखिए कितनी साफ तरीके से दिख रहा है, और ये चौक नहीं है, ये मिटेगा नहीं। देख रहे हैं ना, एकदम साफ साफ दिख रहा है, इजिली सिलाई कर सकते हैं। अब जैसा पीछे का हिस्सा कट किया है वैसे ही आगे का हिस्सा कट कर लेंगे। इसके लिए कपड़ा जो है वो सही से बैठा लेंगे, और अगर आप कॉटन का कपड़ा या बानी कपड़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे काटने से पहले आप इसे एक बार पानी में डालकर धुल लें। इसका जो अस्तर है वो भी सेम पानी में डाल के आप धुल लें। गला क्योंकि छोटा है इसलिए मैं यहाँ पे 3 इंच का फासला ले रही हूँ। अगर गला बड़ा लेते हैं, डीप लेते हैं, तो यहाँ पे 2 या 2.5 इंच भी चलेगा। अभी आर्म होल में थोड़ा सा तिरछा यहाँ पे काट रही हूँ। आर्म होल के सीधी साइड यानी फ्रंट साइड का ये जो हिस्सा है यहाँ पे मैंने 1/2 इंच की गहराई ली है। ये हो गई है आगे की कटिंग। ये देखिए इस तरीके से इसे थोड़ा डीप करके अंदर के साइड से इसे कट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगी 1/2 इंच की कटिंग। अब दोनों फ्रंट और बैक साइड के दोनों ही साइड को इसे काट लेंगे। याद रहे जो फ्रंट साइड का हिस्सा है इसे हम अलग से दोनों कपड़ों को सेपरेट करके यहाँ पे काट लेंगे। पीछे का हिस्सा जो है बैक बैक जो पार्ट है वो मैंने हटा लिया है, ये फ्रंट हिस्सा में काट रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर प्रिंसेस कट टॉप आप बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, जो कंधे का साइज लिया है मैंने, कंधे का पूरा जो साइज है वो 6.5 इंच का है जो आर्म होल के तक है। गले का जो यहाँ पे मैंने निशान लगाया है वो 3 इंच का लगाया है। तो कंधे के बीचों बीच का हिस्सा जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पे बैठ रहा है 4.5। 4.5 फ्रंट ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरीके से निशान लगा लेंगे। सीधी लाइन इस सारे निशानों को हम सीधा
ड्रॉ कर लेंगे, सीधी सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो निशान लगाया जा रहा है, जो आर होल में मैंने आधा इंच ऊपर लिया था, ये जो सीधा लाइन खींचा उसी से गोलाई देते हुए यहाँ पे हम कट कर लेंगे। ये हो गई है कटिंग कंप्लीट। तो इन सारी कटिंग का जो मैंने अस्तर लिया है, अस्तर के साथ इसी सेम तरीके से काट लेंगे, लेकिन याद रहे अस्तर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अस्तर का जब कपड़ा कटिंग करेंगे तो इसमें थोड़ा सा ये बड़ा होना चाहिए कपड़ा। एक एक करके सारे कपड़े जो है, साड़ी का जो भी कटिंग की है उसमें अस्तर जो जोड़ना है वो ऐसे ही इसी तरीके से काट लेंगे। ये कटिंग कंप्लीट। तो जो अस्तर है उस अस्तर को हम बहुत ही अच्छे से सलीके से इसमें जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो अस्तर का कपड़ा ज्यादा बचा हुआ है उसे बराबर कर लेंगे। इस तरीके से बराबर कर लिया। बराबर इसलिए होना चाहिए ताकि सिलाई के टाइम में कोई दिक्कत ना आए, कि ये जो सिलाई करने में टेढ़ा मेढ़ा सा कपड़ा लगा वो ना हो। अस्तर जो है वो बराबर हो चुका है, तो जो प्रिंसेस कट के लिए दो कट किए गए थे इस तरीके से जोड़ लेना है। जो हम यहाँ पे साइड का कपड़ा यहाँ पे जोड़ा है उसमें थोड़ा सा खिंचाई देते हुए, मतलब वहां पे थोड़ा सा खींच के ये कपड़ा यहाँ पे जोड़ते हैं। ये हो गया एक साइड का कंप्लीट। इसी तरीके से सेम दोनों तरफ का जोड़ लेते हैं। यकीन मानिए ये प्रिंसेस कट टॉप आप जब बनाएंगे और पहनेंगे तो आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ये आपने खुद बनाया है। थोड़ा सा खींच के यहाँ पे सिलाई करते हैं ताकि ये जो कपड़ा है वो सेट हो जाए। शेप भी बहुत अच्छी आती है इससे। ये देखिए ये हो गया है कंप्लीट आगे का भाग। अब इसमें नेक का जो डिजाइन है वो बनाना है, वो भी मुझे बहुत सिंपल बनाना है। ये बहुत ही इजी है, बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है ये इजी नेक का जो डिजाइन है वो बनाना बहुत ही इजी होगा। तो इस तरीके से अस्तर का जो कपड़ा है उसमें ये जो नेक का डिजाइन है वो हम जोड़ लेंगे और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अभी बचे हुए बाहर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करके अच्छी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब जो कपड़ा है गले का जो डिजाइन हमें बनाना है, ये क्योंकि वी शेप का है तो बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और ये जो गले का डिजाइन है यहाँ पे इसे बैठा देंगे, फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के लिए यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी कटिंग लगाई और यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम एक सुई लगा सकते हैं। यहाँ पे जो सुई है यहाँ पे मैंने सुई का इस्तेमाल किया है ताकि जो कपड़े का सेंटर पार्ट है, ये गले का जो सेंटर पार्ट है वो इधर उधर ना हो और अच्छी तरीके से ये गले का जो डिजाइन है वो इसी तरीके से इसी जगह पे बैठ जाए। एकदम किनारे किनारे यहाँ पे अच्छी तरीके से बैठा ले। किनारे किनारे से सिलाई चलाएंगे तो इससे क्या होगा कि लाइनिंग में जो है वो दिक्कत नहीं होगी और काफी
अच्छे से, काफी इजी तरीके से और धीरे धीरे यहाँ पे सिलाई करें अगर आप बिगनर्स हैं तो। ये हो गया है गला तैयार, बैठ गया है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैं बनाना चाह रही थी। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लगा ले कटिंग, क्योंकि इसे पलटना भी है और अगर कटिंग नहीं करेंगे तो ये पलटना तो मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा, और गले का जो शेप है वो, जो गले का डिजाइन जो हम बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे ये कटिंग करना भी बहुत जरूरी है। ये पलट कर अब मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली, इससे क्या होगा कि ये और भी सुंदर सा उभर के दिखेगा। नहीं तो क्या करते हैं कि यहाँ पे आयरन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आयरन नहीं करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके से पलट के उसे सिलाई चला ले, और अभी आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सा, ये यहाँ पे आयरन करने की भी जरूरत नहीं होगी, तो इस तरीके से बन जाएगा। ये है पीछे का भाग, पीछे का जो गला है वो मैं गोल बनाना चाह रही हूँ, गोल, और ये मैंने बताया था कि ये ज्यादा डीप नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 इंच का या 3.5 इंच का फासला बहुत सही होता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे कटिंग कर लेंगे फिर से। ये तो मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे इससे निशान लगाना बहुत इजी काम लगता है, ऐसा नहीं लगता कि चौक है तो ये जो लाइनिंग है या फिर जो मैंने निशान लगाया वो हट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हटता। पीछे का भाग जो है वो मैंने कटिंग कर लिया, गले का भाग कटिंग कर लिया, और इन दोनों फ्रंट और बैक दोनों की साइड को हम जोड़ लेते हैं। पहले दोनों के साइड को जोड़े, आगे और पीछे का दोनों साइड जोड़े, उसके बाद ही पीछे का गला बनाएं। इससे क्या होता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप अगर वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा फिनिशिंग कैसे अच्छी ला सकते हैं आप पीछे के गले में। जैसे सुंदर सी फिनिशिंग आई है आगे के गले में, वैसे ही सुंदर सी फिनिशिंग आएगी आपके पीछे की गले में। अगर आप इस तरीके से जोड़ रहे हैं और पीछे का जो कपड़ा है थोड़ा सा बचा होना चाहिए, ताकि पीछे का जो डिजाइन है, कपड़े पलटने पड़ेंगे तो थोड़ा सा जो यहाँ पे जो कपड़ा छूटा हुआ है वो छूटा होना चाहिए, ताकि मैं पीछे का गला भी से बना पाऊँ। इसके लिए मैंने तिरछी पट्टी काट ली है, तिरछी पट्टी जो है वो मैंने पीछे के गले में ऐसे ही जोड़ दिया है, तो पट्टी जो है वो थोड़ा सा खींच के यहाँ पे लगाना, ताकि इसमें गला बना रही हूँ अच्छी तरीके से यहाँ पे बैठ आए और सुंदर सा फिनिशिंग आए इस तरीके से। ये देखिए ये भी स्टिचिंग हो चुकी है यहाँ पे। सिलाई करने के बाद हल्की हल्की कटिंग करना भी बहुत जरूरी है, ताकि जो गला है, गले का डिजाइन आप कैसा भी बनाएं वो इजिली बैठ पाए। तो पीछे का जो गला बनाया है उसे मैंने सीधे वाले फ्रंट साइड के गले में मैंने पलट दिया, पलट कर सिल दिया है ये इस तरीके से, पलट दिया इस तरीके से, और ये देखिए फिनिशिंग आ रही है ना। फिनिशिंग ऐसा नहीं लग रहा है कि अलग अलग तरीके से जोड़ा है, लग रहा है कि पीछे से आगे का गला जो है वो एक ही कपड़े से जुड़ा हुआ है। अब ये जो गला मैंने तैयार किया है आगे पीछे का गला, तो इसमें मैं तुरपाई कर लेती हूँ, और ये हो गया है बनके तैयार। और यकीन मानिए इसकी फिटिंग इतनी अच्छी है कि आप बाहर के मार्केट से भी ऐसी वाली फिटिंग नहीं ला पाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल में अभी अगर आप नया हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।